अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास, आज हम लोगों ने पढ़ना है यूनिट नंबर 32। यूनिट नंबर 32 में हम लोगों ने पढ़ना है ऐसे। ऐसे को आप लोग उर्दू में क्या बोलेंगे? मज़मून। पेज नंबर आप लोगों का है 41, 42। यहाँ भी देख ले, टॉपिक आप लोगों का ऐसे है। ऐसे कौन सा है? द पेन। द पेन देखें, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ना है द पेन। पेन मीन्स कलम, पेन मीन्स कलम। पेन जो है वो आप लोगों का नाउन है, कॉमन नाउन। आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है। हैव जो है वो आपका क्या है? मेरे पास एक कलम है। पास, तो पास जो है वो आपका प्रेजेंट का है। हैव मेरे पास है, तो मेरी ही मलकियत होगी, ऑनरशिप किसकी है? मेरी। आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है। दिस इज, दिस ये, इज है माई मेरा, पेन कलम। दिस इज माई पेन। माई जो है वो आप लोगों का पोसेसिव केस है। पोसेसिव केस किसका है? ये आई का। आई जो है वो आप लोगों का सब्जेक्टिव केस होता है, और आई का जो माई होता है ना, वो आप लोगों का पोसेसिव केस है। आई सब्जेक्टिव केस है, तो इसका जो है माई वो पोसेसिव केस है, जिसमें आप लोगों की मलकियत होती है। This is my pen, ये मेरा कलम है। It is made of, ये बनी हुई है of wood, लकड़ी की, and steel, और धात की या फ्लोर की। ये किससे बनी हुई है? Wood and steel. It is made of wood and steel, ये लकड़ी और धात की बनी हुई है। इसके जो वोकैबुलरी मीनिंग्स हैं, ये नीचे भी आप लोगों को वोकैबुलरी दी गई है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? इट इज एन इंक पेन, ये एक स्याही वाला पेन है। इट इज एन इंक पेन, ये एक स्याही वाला कलम है, ये स्याही वाला पेन है। तो ये देखिए, ये जो कलम होता है आपने, जिसके साथ आप लोग राइट करते हैं, इसमें आप लोग स्याही बढ़ोगे तो ये यूज करोगे। अगर इसमें स्याही नहीं होगी तो आप इसे कैसे यूज करोगे? इट हैज अ निब, इसके पास या एक निब रखता है। ये एक निब रखता है, इसके पास एक निब है। निब आप किसको बोलते हैं? ये जिसके साथ, ये जो नोक है आप लोगों के, ये देखिए, ये आपको नोक नजर आ रही है, ये क्या होती है? निब, जिसके साथ आप लोग राइट करते हैं। द निब इज मेड ऑफ स्टील, जो पेन की निब होती है वो किससे बनी होती है? स्टील से। निब किससे बनी होती है? स्टील से। स्टील क्या होता है आपका? फ्लोर या धात। इट्स होल्डर इज मेड ऑफ वुड, इसका जो होल्डर होता है, मीन्स के दस्ता जो होता है, इज मेड ऑफ वुड, लकड़ी का बना होता है। वो किसका बना होता है? लकड़ी का बना होता है। इट आल्सो हैज अ ब्यूटीफुल कैप, इसके पास या ये भी एक खूबसूरत कैप, टोपी रखता है। किस तरह रखता है? जिस तरह ये मेरे पास पेन है और इसकी ये कैप है, तो अब इसको ये बंद कर देंगे हम लोग, तो ये इसकी कैप है, तो हम इसे क्या बोलेंगे? इट ऑल्सो हैज अ ब्यूटीफुल कैप। इट इज टू राइट विद, इट इज, ये है टू राइट, लिखना, विद के साथ, इसके साथ। ये किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? लिखने के लिए। आई राइट, मैं लिखता हूं नीटली, साफ सुथरा, विद दिस पेन, इस कलम के साथ, मैं इस कलम के साथ लिखती हूं। इट कॉस्ट, इसकी कीमत रेस 5, इसकी कीमत कितनी है? 5 रुपए। आई बॉट, मैंने खरीदा इट, इसे, फ्रॉम मीन से, द उर्दू बाजार, उर्दू बाजार से, मैंने इसे उर्दू बाजार से खरीदा है। आई कीप, मैं रखता हूं, आई कीप, मैं रखता हूं या मैं रखती हूं, दिस पेन, इस कलम को, विद केयर, एहतियात के साथ। आप लोगों ने ये कलम के वाला ऐसे ही आप लोगों ने कंप्लीट लर्न करना है। नेक्स्ट वोकैबुलरी मीनिंग्स जो है वर्ड्स, मैं दोबारा एक दफा बोल देती हूँ। ये वोकैबुलरी है आप लोगों की। मेड ऑफ का मतलब है से बनी, वुड मीन्स लकड़ी, स्टील मीन्स फ्लोथ या दहात भी आप लोग इसे बोलते हैं। इंक पेन, स्याही वाला पेन। निब, निब जो नोक होती है पेन के आगे वाली। होल्डर मीन्स दस्ता। ब्यूटिफुल मीन्स खूबसूरत। राइट मीन्स लिखना। बॉट मीन्स खरीदा। कीप रखना। ये देखिए, बॉट जो वर्ड हमें पीछे पढ़ा ना, तो ये बॉट की सेकंड फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म इसकी होती है बॉय। यहां पे हमने सेकंड फॉर्म यूज की है, बॉट खरीदा। कीप रखना, केयर एहतियात से।
ये आप लोग का एसे हो गया कंप्लीट। डायरी आप लोग क्या होगी, एसे लर्न प्लस राइट।